एक दिन पहले ही तुलसी का चयन करके भगवान की पूजा के लिए हम लोग रख लें। इससे हमारी विशेष सतर्कता भी भगवान को ज्ञात होगी, उनको प्रसन्नता होगी, और इसी बहाने हमको तिथियों का भी ज्ञान होगा कि आज संक्रांति है, आज व्यतिपात है, आज अमुक तिथि है। ये सब जो ज्योतिष संबंधी ज्ञान है, कालगणना संबंधी, वो ज्ञान भी तो हमको हर समय होने चाहिए। तो इस दृष्टि से भी ये उचित है और शास्त्र में निषेध है तो स्वाभाविक है कि उसका पालन, विधि और निषेध दोनों का पालन करना अपना धर्म है। तो उपाध्याय जी, तुलसी दल के बारे में यही नियम है कि इन जो बताए गए दिन, तिथि, योग, उनमें वर्जित करके बाकी दिन तुलसी का चयन करना चाहिए। तुलसी का चयन करके भगवान को उसी से पूजा करनी चाहिए, उसके बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि तुलसी दल का चयन करने के लिए यह नहीं कि बस गए और खोंट लिए, बल्कि उनके सामने जा करके पहले परिक्रमा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और फिर ये प्रार्थना करते हुए कि हे तुलसी दल, हम भगवान की पूजा के लिए आप में से कुछ दल ले रहे हैं। तुलस्य अमृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिया, चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने। आप तो केशव की प्रिया हैं, उन्हीं के लिए मैं तुलसी दल प्राप्त कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। कृपया आप भी प्रसन्न होइए कि हमारे माध्यम से ही सही आपका हम किस केशव से मिलन कराने जा रहे हैं। त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। कलयुग के मल का विनाश करने वाली है देवी तुलसी, हम भगवान के पास आपको लेके जाना चाहते हैं, आप इसमें हमारा सहयोग करिए। इस तरह से प्रार्थना करके और तब तुलसी दल का चयन करना चाहिए और भगवान को चढ़ाना चाहिए। आशा है कि आपको ये बात पसंद आई होगी। चप्पल जूता उतार दें, शुद्ध होकर के तुलसी जी के पास जाएं, जा करके परिक्रमा करें, प्रणाम करें, उनको प्रार्थना करें, और फिर तुलसी दल का चयन करके जब भगवान को ले जाएंगे तो वो तुलसी दल चढ़ाने की बात अलग होगी। और यूं ही कहीं भी मिल रहा मुट्ठी भर का तुलसी दल, इसका कोई मतलब नहीं है। विधि विधान के साथ एक तुलसी दल भी चढ़ाया तो उसका बड़ा पुण्य है, और विधियों का ध्यान न रखते हुए जैसे तैसे ही बहुत सारा तुलसी दल भी अगर चढ़ा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है।